बड़ा ख्याल रखा मेरा, घास फूस लोशन चारा पानी, ऐसा फिट सेहत बननी है। फिर यार मेरे घर वालों ने ऐसी ऐशी करवाई है, पूरी गली के पौधे खिला दिए। मैं क्या बात है, अभी घर से इधर लाते हुए पता नहीं बच्चे बड़ा रो रहे थे, पता नहीं क्यों है। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, या तो खेलते हैं या तो रोते हैं। रात को तुझे क्या हुआ था? क्यों, तेरे चिल्लाने की बड़ी आवाज आ रही थी। बोर हो रहा था, सोचा गली में पता करूं और भी बकरा जाग रहा है तो उसके साथ मिल के आवाजें निकालूं और पूरी गली वालों को जगा दूं। वैसे हमें इधर क्यों लाए? अबे अपने को क्या, जा ले जाते हैं, चला जा, घास फूक पानी पी ऐशी कर। पादे नु लम्मा पादे थे पादे। राम से राम से राम से। क्या बात है, देख ले भाई, मालिश कराने लाया इधर बिड़ू, फुल ऑन ऐशी है। मिल गया जवाब। बिस्मिल्लाह अकबर। और भाई कैसा है? भैया क्या बात है, दबीर रफी के लड़ने की आवाजें नहीं आ रही। अमीओ फ्री फायर खेल रहे हैं, साथ ईद सीजन के कोई इवेंट्स चल रहे हैं ना। हाँ पता नहीं ऐसा क्या रखा है, वही एक ही गेम खेलने में बार बार पता नहीं क्या मजा मिलता है। नहीं अम्मी, आए दिन नई अपडेट्स आती रहती हैं फ्री फायर में, आजकल वो कैरेक्टर कस्टमाइजेशन और बंडल्स आए हुए हैं ना, तो उसी की धूम मची हुई है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा अब्बा कितना है? अम्मी वो भी दबीर रफी के साथ ही फ्री फायर खेल रहे हैं। अबू क्या कर रहे हो, आने जाए वहाँ मारे जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, बाप को ना सिखा। अरे आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। आ भाई क्या मोहतान पड़ी, आपके बकरे ने मेरे सारे पौधे खा लिए। आ तो बकरा है, पौधे नहीं खाएगा तो और क्या, गोश्त खाएगा? हाजी साहब मैंने इतने शौक से अपने पौधे लगाए थे, अब आप जुर्माना दें या तो मुझे नए पौधे लगा कर दें। अबे चिरांदी आदमी ठंडा हो जा, रोना बंद कर। कौन से पौधे थे तेरे? बोगनवेलिया और रात की रानी। अबे जाहिल आदमी क्या है, रानी मानी लगाता फिर, कोई फलदार पौधे लगाया अगर, आम की दरख्त लगा दूं। क्या बात कर रहे हैं हाजी साहब, आपको कुछ पता है, आम का एक दरख्त 5,000 का आता है कम से कम। चल मैं तुझे 5 आम के पौधे लगा देता हूँ, खुश है? वाकई वो कचरे की थैली देख रहे, उसमें 5 आम की गुठलियां चूस के फेंकी, निकाल के अपनी क्यारी में गाड़ दियो जी। आइंदा मेरे घर के दरवाजे पे आया ना, अंदर करवा दूं। भाई ले आ कलेजी ले आ, अब पेड़ में चूहे तो दूर की बात, शेर दौड़े। हाँ हाँ सबर कर लो मियाँ। अबू आज हमने पप्पू के घर जाने या वो आएंगी? अबे हाँ अच्छा किया याद दिला दिया, ला फोन ला जल्दी से, इससे पहले वो आए मैं कॉल करके कह देता हूँ हम आ रहे हैं। दिलवर ये गोश्त कैसे तुमने नशे में किए? खैर हो गई बड़े मियाँ, कब्र में पैर लटकाए बैठे हो, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। तमाम अच्छी बोटी हफ्ते लिए और गरीबों के लिए हड्डियाँ, आ तो तू कर लेना इससे, कहा भी है मुझसे ना करवाया अगर। हाँ हाँ सबक मिल गया अच्छे से, अब तो खुद ही करूंगी। हाँ ठीक है। बाप दोनों ईद वाले दिन भी भारी गैर में चल रहे होते हो। अबे तू चुप कर, मुझे ये बताए तुफेल के घर से गोश्त आया कि नहीं? नहीं। हाँ बस ठीक है, ये दे तो उसे देना, वरना ऐसे कोई गोश्त वोश्त देने की जरूरत नहीं है। अब्बा क्यों कुर्बानी में गुनहगार हो रहे हो? अबे ठीक तो कह रहे हो, तू नहीं समझता, बल्कि अगर तू इसने गोश्त दिया ना तो इसकी थैली में चेक करियो, अगर हड्डे हुए ना तो चुप करके वही थैली इसे वापस कर देंगे और बोल देंगे हमारी तरफ से, पता भी नहीं लगेगा। दिलवर अबे अब क्या कर दिया, ये पुटके गोश्त दो थैलियां पड़ी थी, किधर गई? वो तो मैंने दे दी। किसको? पड़ोसियों को। अब्बू में दिया है दोनों थैलियां, खाला आंटी थैंक यू बोल रही थी। वेलकम जी। गुस्से में तो नहीं हो? हाय नहीं, क्यों, बात हो सकती है, छुट्टी नहीं मिलेगी कोई? अरे नहीं नहीं कोई और बात है, इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ बोल। आपने बकरे की कुर्बानी के लिए कसाई से बात कर ली है क्या? अरे भैया अभी कहाँ, कसाब आजकल कसाब कम और डॉक्टर ज्यादा लग रहे हैं, किसी के यहाँ अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। अरे ये तो मसला ही कोई नहीं बाजी, मेरा आदमी है ना। तूने तो बोला था वो माजूर है। झूठ बोला था। क्या बोला? अरे बाजी वो पहले बोला था, अभी तो उसका इलाज हो चुका, वो दूसरी बाजी है ना उसने कराया था इलाज। बहरहाल वो कसाई आप कभी जानवर कर देगा, मैं करती हूँ उससे बात। तुझे तो बताया था तेरा आदमी मजदूरी से पहले मजदूर था, ये कसाई कब से बन गया? वो बाजी वो हर काम मजदूरी तो होता नहीं। अबू अबू अबू। हाँ हाँ बोल, सुन रहा हूँ। अबू बकरा कब लेंगे? अबे ले लेंगे यार ले लेंगे, ऐसी क्या जल्दी पड़ गई? अबू गली में सारे दोस्तों ने बकरे ले लिए, सब मुझे चप्पे कराते हैं। अच्छा और वो तुफेल ने भी ले लिए जानवर? कब के, बल्कि तुफेल अंकल तो कह रहे थे कि लगता है इस बार दिलबर मियाँ ने मस्जिद में हिस्सा डाला है। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत? ये बात तू फिक्र न कर, बस कल ही लाता हूँ मैं जानवर, ऐसा जानवर लाऊंगा ना इस तुफेल की तो हालत बराबर हो जाएगी। तूने कुर्बानी करनी है, दिखावा करना है, क्या सिखा रहा है बच्चे को? अरे बड़ी भी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। हाँ हाँ तो और कैसी बात है, 2 हफ्ते पहले जानवर लाने का क्या तुक बनता है? हाँ तो यही तो कुर्बानी की असल रूह है, पहले मवेशी लाएंगे फिर उससे मोहब्बत करेंगे। क्या करें, वहाँ ना जाए वहाँ मारे जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, बाप को ना सिखा। अरे आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ।
आ भाई क्या मोहतान पड़ी, आपके बकरे ने मेरे सारे पौधे खा लिए। आ तो बकरा है, पौधे नहीं खाएगा तो और क्या गोश्त खाएगा। हाजी साहब मैंने इतने शौक से अपने पौधे लगाए थे, अब आप जुर्माना दें या तो मुझे नए पौधे लगा कर दें। अबे चिरांदी आदमी ठंडा हो जा, रोना बंद कर। कौन से पौधे थे तेरे? बोगनवेलिया और रात की रानी। अबे जाहिल आदमी क्या है, रानी मानी लगाता फिर रहा, कोई फलदार पौधे लगाया कर। आम के दरख्त लगा दूं? क्या बात कर रहे हैं हाजी साहब, आपको कुछ पता है आम का एक दरख्त 5,000 का आता है कम से कम। चल मैं तुझे 5 आम के पौधे लगा देता हूँ, खुश है? वाकई वो कचरे की थैली देख रहे, उसमें 5 आम की गुठलियाँ चूस के फेंकी, निकाल के अपनी क्यारी में गाड़ दियो। जी आइंदा मेरे घर के दरवाजे पे आया ना, अंदर करवा दूंगा। कटले शाबा जी, आराम से चला, गिर जाएगा बकरा। और कितना आहिस्ता करूँ? और गिर जाएगा, मैं तुझे बता रहा हूँ, माजूर बकरे की कुर्बानी नहीं होती। तू ले आ फिर पैदल इसे, और रोक रोक हाथ दे रहा चिल्लर। सलामकुम, कैसे जी? वालेकुम सलाम। आज फंसी ना मछली? मछली नहीं है, बकरा है। नशे में? नहीं। मुंह सूंगा? सूंग ले। और बकरे का नहीं मछली का? ओ भाई क्या बोले जा रहे हो। अच्छा ये बता रेट क्या चल रहा है आजकल जानवरों का? इस जैसे जानवर का 30 से 35। अच्छा और ये कितने का मिला? 27 का। वाह सही, यानी 8,000 की बचत। हाँ जी बस किस्मत से अच्छा मिल गया। 8,000 जुर्माना होगा। क्यों भाई? ट्रिपल सवारी। और सर जी ट्रिपल सवारी नहीं है, डबल सवारी है, ये तो बकरा है। और तू भी तो मछली है। रुक जा। और रुक मेरे बाप। रुक जा। क्या चीज है तू भाई, इधर आ जा। यार तला तू एक काम कर, ये रस्सी अपने गले में बांध दे और अगला सिरा इस बकरे के हाथ में दे दे। क्या? क्योंकि अभी भी तू इस बकरे को काबू नहीं कर रहा, बकरा ही तुझे काबू कर रहा है। बेहतर नहीं रस्सी भी इसके हाथ में दे दे। और वही कैसा है, बड़ी जान जान बना रखी है। बस यार मुझे घर वाले ऐसे फिट मिले, बड़ा ख्याल रखा मेरा, घास फूस लोशन चारा पानी, ऐसा फिट सेहत बननी है फिर। यार मेरे घर वालों ने ऐसी ऐशी करवाई है, पूरी गली के पौधे खिला दिए। क्या बात है, अभी घर से इधर लाते हुए पता नहीं बच्चे बड़ा रो रहे थे, पता नहीं क्यों है। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, या तो खेलते हैं या तो रोते हैं। रात को तुझे क्या हुआ था? क्यों तेरे चिल्लाने की बड़ी आवाजें आ रही थी। बोर हो रहा था, सोचा गली में पता करूं और कोई बकरा जाग रहा है तो उसके साथ मिल के आवाजें निकालूं और पूरी गली वालों को जगा दूं। वैसे हमें इधर क्यों लाए? अबे अपने को क्या, जा ले जाते हैं, चला जा, घास फूक पानी पी ऐशी कर। पादे नु लम्मा पादे थे पादे। राम से राम से राम से। क्या बात है, देख ले भाई मालिश कराने लाया इधर बिड़ू, फुल ऑन है ऐशी। मिल गया जवाब। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और भाई कैसा है, बड़ी जान शान बना रखी है। हमारा बकरा ना ज्यादा बड़ा है। दोनों बराबर है, इतना कोई खास फर्क नहीं है। हमारा ज्यादा प्यारा है लेकिन। इस तरह तो हमारे बकरे के सींग भी हैं। तुम्हारे बकरे के हैं क्या? हमारा बकरा तुम्हारे बकरे से ज्यादा महंगा है लेकिन। हमारा बकरा बात भी करता है, ये देखो। ओए बकरे, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं। तुम दोनों में से ज्यादा बेहतर बकरा कौन सा है? आपस की बात है, ये वाला ज्यादा टाइट है। अंदर आके खाना। अबे यही क्या हाल कर रखे है इस बकरे का? अबू तैयार कर रखा है, अच्छा लग रहा है ना? अबे कमबख्त ये घर का कालीन था। और ये बर्तन घर के इस्तेमाल का था, चलिए। मैं। और ये बकरा किसका तूने मेरे घर में बांध दिए? सारे पौधे खा गए कमबख्त। अबू ये खालदा आंटी का है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कुछ दिन का तो मेहमान है। अंकल मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो रहने दो, खालदा का बकरा हमारा बकरा एक ही तो बात है। बल्कि एक काम करो इफ्फी, ये से बोगनवेलिया खिलाओ, ये बड़े शौक से लगाई है मैंने बेटा, ये इस बकरे को अच्छी लगेगी। और इफ्फी बेटा ये दबीर किधर है? अबू भाई तो कासिम के साथ लाइगर मेमन के जानवर देखने गए हैं, वहाँ सुना है कोई ऑस्ट्रेलियन बुल की नुमाइश लगी है। ये आजकल के अमीर भी ना कुर्बानी कम दौलत के चप्पे ज्यादा कराते हैं लोगों। आ भैया ये वाले कितने दांत के? ये चचू 4 दांत। अबे रहने दे इसे, उधर ही रहने दे, कोई जवान बकरा दिखा यार 2 दांत का। अब्बा ठीक तो है, बकरा लेना है, रिश्ता नहीं लेना इस जवान हो। अबे बाप को ना सिखा, तू चुप कर। चाचू ये वाले देखो, सही तंदुरुस्त चीज है चाचू, इसे हमने खुद पाला अपने हाथों से बादाम खिला के, देखो कितना तंदुरुस्त है। अबे तंदुरुस्त नहीं है, इसका पेट फूला हुआ है बेटा, बहुत तेज है, तू पानी पिला के रखा हुआ तूने इसे, सब समझता हूँ। नहीं नहीं हाजी साहब। वो सफेद वाले कितने का है? वो वाला? अबे नहीं नहीं ये सफेद है, वो पीछे वाला। हाजी साहब ये 60 का। 60?
अबे क्या बहंगा तो नहीं है इतना सस्ता? नहीं हाजी साहब, 60 हजार। 60 हजार का बकरा? अबे पागल वागल तो नहीं हो गए? अबे दिखा भाई, कोई सस्ती चीज दिखा। अच्छा हाजी साहब, ये वाली, ये देखो फिर, ये भी बहुत प्यारा जानवर है। बकरा दिखाई, बिल्लियाँ बिल्लियाँ ना दिखा। अच्छा वो वाला कितने का? साहब वो 50 का, आपके लिए 45। अबे मक्खन मक्खन मुझे ना लगा, मेरे लिए 45, मैं तेरी खाला लगाऊ इधर? 45 कोई नहीं, 35 का देना है तो बता। साहब आप इस पर बकरा भूल जाओ, मुर्गी की कुर्बानी कर लो, अगले साल बकरा कर लेना। अबे क्या मतलब है तेरा, मुझ पे भंड मार रहे? साहब भंड तो आप मारे हो, 45 से नीचे मारा नहीं खाता, महंगाई बहुत है। अया रोना बंद कर, 40 पे डन कर। 44 फाइनल। 40, 44, 41, 44 साहब, 44, 42 फाइनल कर। 44 साहब, बोले ना 44, 42, बस 42 आखिरी, 43। 43? 43? भाई जन बस ये बकरा 43 पे डन है, इसे बैक में। अबे ये क्या कर दिया? भाई बकरा रस्सी में फंस गया, जल्दी आओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और सुनाओ समन, तुमने कल के लिए ईद की तैयारी कर ली? यार ऐसे कौन सी तैयारी, बस ठीक ही, आई थिंक वी आर गुड। तो तुम इस बार ईद के लिए क्या कर रही हो, एज इन कौन सा जानवर? यार हम इस बार गोट को घर पे कट नहीं कर रहे ईद के लिए, हमने इस बार बर्गर कुर्बानी पे ऑर्डर कर दिया, वहीं से गोट कट होकर आ जाएगा हमारे घर। यार ये कैसी कुर्बानी है, असल मजा ही प्रॉपर कुर्बानी का। यार यू आर राइट, बट इट्स जस्ट दैट यू नो मामा एंड आई डोंट फील सो गुड अराउंड मीट, एंड इट्स जस्ट लाइक यू। और वैसे भी पापा भी थोड़े बिजी होते हैं। वेट अ मिनट यार, तुम कैसी दोस्त हो मेरी, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना मेरा। यार मैं नहीं हूँ तुम्हारी दोस्त, ठीक है बाय। मैं नहीं हूँ तुम्हारी दोस्त, बाय। ये क्या था, तुम मेरी बातें सुन रहे थे बदतमीज? ओ नहीं ओए, मैं बातें नहीं सुन रहा था तुम्हारी, अभी अभी आया था। अच्छा बात सुनो। क्या है? यार वो कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। झूठ ना बोलो, सेवियर का ईद बाजार सब पता है मुझे। ये जो तुमने कपड़ों और सौदे की खरीदारी पे कैशबैक कमाया ना, सब जानता हूँ मैं, तो झूठ ना बोलो मुझसे। यार भाई वो कैशबैक के पैसे तो बैंक में है ना, अभी कैश नहीं है मेरे पास। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ तुम्हारे पास कैश है, मुझे अपना ATM दे दो, सिर्फ 1000 रुपए निकालूंगा, प्रॉमिस। क्या है भिखारी, ये लो। भाई कसाई कब आएगा, आधा दिन गुजर गया ईद का। हाँ बस आ रहा है, अभी करिए कॉल, कह रहा था आ रहा हूँ। वही पुराना वाला बुलाए? अबे वो कहाँ, वो तो आजकल डॉक्टर बना फिर रहा है, भरा पेट साला। एक नया कसाई बुलाया इस बार। देख लो अब्बा, कोई बरसाती कसाई ना हो। अबे नहीं नहीं अल्लाह खैर करेगा, फिक्र ना कर। देख आ गया शायद। हाँ भाई क्या मसला है? तमीज जी, जी बोले। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, फरमाए। वो गोश्त दे दे। अबे अभी तक नहीं हुई कुर्बानी, कसाई नहीं आया, बाद में आई हो। हाँ भाई कौन था? गोश्त मांगने वाला। भाई कुर्बानी की खाल दे दे। अबे कसाई तो आ जाए पहले। चलो मैं बाद में आऊंगा फिर। हाँ भैया आ गया? नहीं अब्बा, खाल मांगने आया था तालिब। अबे ओ भाई नहीं है कसाई, माफ कर दो, नहीं है कोई गोश्त खाल। भाई मैं कसाई हूँ। अबे तू? जी भाई मैं, क्यों क्या हुआ? तुझे मैंने कहीं देखा है शायद, पिछली ईद पे ही देखा होगा भाई। अबे तू, याद आ गया, तू तो वही है जो उस दिन एग्जाम हॉल में सबको पानी पिला रहा था, फ्रॉड आदमी, तू कसाई कब से बन गया? बस। अरे वाह अरे वाह, क्या बात है भाई, आज तू कोई नमाजी नजर नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था मैं लेटू। ये तो अभी तक लोग उठे ही नहीं, वैसे कैसे मुसलमान है, ईद का तो इत्तेराम कर लेता है बंदा, थोड़ा जल्दी निकल आए। फिर इमाम जब चौथी तकबीर कहेगा, ये इमाम कोई और है, अपनी बात कर रहे हैं, रुकू में चले जाएंगे और आगे नमाज मामूल के मुताबिक तकमील होगी, अब तमाम नमाजी सफे बना लें। अरे मैं तरीका तो समझा ही नहीं। कर खड़े हों, बीच में जगह खाली ना रहे। आ गया जो भजन और अपने मोबाइल फोन बंद। आ गया जो भजन। यार आप खुद तो आगे जाओ, सबको कह रहे हो। मैं इधर ही हूँ, वो पंखे के नीचे है ना। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अभी खुतबा होगा और फिर दुआ होगी। भाई कहाँ जा रहे हो, खुतबा तो सुन लो, ईद की नमाज नहीं होगी। भाई तू अपनी आखिरत की फिक्र कर। काफिर। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। हो गया जी तीन दफा। अरे ये अंकल तो मुझे देख रहे हैं। जाने पहचाने तो लग रहे हैं। मिलूं इनसे कि ना मिलूं, तीन दफा का काउंट पूरा करना पड़ेगा। ईद मुबारक इदरीस साहब। खैर मुबारक। कटले भाई कटले, निकल ले। मस्जिद तो उस तरफ है, ये नमाजी वापस क्यों आ रहे हैं? एक मिनट, नमाज मिस तो नहीं हो गई? ईद मुबारक चीते। खैर मुबारक। अबे कौन सी सफ में था, आज तो नजर ही नहीं आया। यार अगली नमाज कौन सी मस्जिद में मिलेगी? अबे नमाज मिस हो गई? ओह चल कोई नहीं कोई नहीं। इस साल क्रिसमस मना लेना। अरे दिलबर भैया क्या बताएं, असल बात तो हमारे दौर की थी, बगैर सहरी के रोजे रखकर पैदल सफर करते थे। वैसे लाजमी नहीं है हर महफिल में इतनी ऊंची ऊंची छोड़ना। माजरत। अरे भैया ले निमको, ले निमको। इफी नजर नहीं आ रहे, क्या बात है? अरे यहीं कहीं होगा। वो चौकी अंकल आए हुए, इसे ही पैसे वाली पार्टी है, ईदी थी उन्होंने? नहीं भाई अभी तक तो नहीं थी। अबे तो यहाँ क्या कर रहे है? सामने बैठना जाके, तेरी शक्ल नजर आएगी तो टॉपिक तो छिड़े ईदी का। इफी पहुँच पहुँच। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। ईदी दो आंटी, काम की बात पे आओ। अम्मी आपने बुलाया था? हाँ बैठ जाए तेरी शाबाश, याद कर रहे थे तुझे मेहमान। और बेटा कौन सी क्लास में हो? टू। माशाल्लाह। हाँ भाई फी ईदी मिली? कोई नहीं, साथ वाले अंकल ने दिए 1000 रुपीज। अरे वाह इधर दे दे, तुझसे घूमो जाएंगे। शाबाश। नहीं अम्मी ठीक है। अरे कह रही हूँ जब वापस ले लेना जब चाहिए, नहीं तो फिर रोएगा बाद में घूमोगे। हाँ भाई बच्चों से कहाँ संभलती दीदी। तो कीर भाई आप भी ज्यादा बस बातें ना करो, पैसों को हवा लगाओ थोड़ी। अरे अरे मैं तो बस देने ही वाला था। इफी बेटा। जी अंकल। ये एक दो तीन। अरे वाह बाबू। ये लो बेटा आपकी ईदी। अबे ये क्या, 100 रुपए में तो दर्जन अंडे भी नहीं आते, 1000 दे। अच्छा ईदी चाहिए सौदे के पैसे? एक ही समझ। अरे चलो यार आप भी नाराज क्यों, तो ये लो बेटा 1000 रुपए ले लो। थैंक यू अंकल। अरे तो की भाई मैं तो मजाक कर रहा था, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत। अरे सही बात है, तकल्लुफ ही किया आपने। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। इफी बेटा। जी अंकल। ये पैसे आपस में भाई बहनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। शाबाश। लाइट दर्जन तो घूमो जाएंगे। अम्मी ये ना भाभी। अरे वापिस क्यों कर रही हैं? अरे भैया वापिस नहीं कर रही, ये हमारी तरफ से छोटे के लिए ईदी। अरे लेकिन ये तो हमने बच्चों के लिए दिए थे। अरे तो मैं कौन सा कह रही हूँ, बच्चों की ईदी आपको दे दी? बच्चों की ईदी मेरे पास महफूज है, दे दूंगी इन्हें जब चाहिए होंगे। क्यों भाई इफ्फी? अब नहीं आते पैसे वापिस। चल सच्चा मेरी तोबा, इस बार तो कमाल ही हो गया, बड़ा सोच के आए थे बच्चियाँ लेके जाएंगे, अब मेरे को ये नहीं पता इस बिल्ली की कुर्बानी होगी कि नहीं। खैर अब्बा कुर्बानी तो कुर्बानी होती है। अबे वो कमबख्त तुफेल भी पहले से इंतजार में बैठा होगा चीजें लेने के लिए, मुझे भी गुनाहगार करता है। अब्बू ये तो मुझे घूर रहे है। अबे घबरा मत, कुछ नहीं कहता, आराम से बैठ। अब्बू ये तो वाकई बिल्ली है? कोई पूछे ना बोलना 25 का लिए, इस चिड़िया का 40 बताते हुए भी शर्म आती है। अब्बा कहाँ 40 कहाँ 25, इतना झूठ। अबे आराम से बैठ जा। इफी देख यार ख्याल से ये सीट ना गंदी कर दे, कल ही नए सीट कवर डलवाए। अब्बू ये कौन सा मुझसे कुछ पूछ कर करेगा। वैसे अब्बू एक बात है ना, इसने रास्ते में इतना शोर किया और आराम से भी बैठा रहा, सही साइंसदान टाइप बकरा है। आज तू पढ़ ले इससे साइंस की ट्यूशन। नालायक। नहीं अब्बू लेकिन क्यूट तो है बकरा। हाँ क्यूट तो है पर इसकी कलेजी भी नरम निकले ना, फिर बात है। अबू अब्बा वैसे कुछ ज्यादा डार्क ह्यूमर नहीं है आपका। अच्छा चल इसे ख्याल से उतार, माना सारा रास्ता इसने गाड़ी के आदाब का ख्याल किया, लेकिन ऐसा रहो आखिर में आके गाड़ी को टॉयलेट बना दे। चल भाई शाबाश। आया आया शाबाश। इफी जा दू उसे घास फूस की लालच दे, तेरे पीछे आएगा। ये लो बकरे, ये लो खाना, खाना ले लो। अब निकल भी आया भाई, उतर जा मेरे बाप। अबे गाड़ी से उतारने को गए, बाप बदलने को नहीं गए। यार वैसे इस बार सही तकड़ा जानवर मिली है। जी अब्बा बस थोड़ा जंगली है। अबे ये तो अच्छी बात है, बकरा जितना खारशी हो ना उतना अच्छा होता है। है भाई हाजी साहब, ले ही लिया आपने भी बकरा? हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक? नहीं नहीं
तो ये कितने का लिए है आपने? ये अल्लाह के करम से 35 का लिए। 35? अभी चुप कर। वैसे बुरा नहीं मनाना है जी साहब, लेकिन महंगा ले ली। अबे तू फेल जानवर भी तो देख, तुझसे तो ऊंचा का देश बकरेगा। तो आपने कौन से इससे बास्केटबॉल खिलानी है? अबे चलना इतना जला नहीं कर, दिल जले। वैसे हाजी साहब हम तो इस बार बकरा नहीं कर रहे। ओहो चलो कोई नहीं, अल्लाह अगली बार तौफीक दे। अरे नहीं तौफीक तो इस बार भी मिली है। अच्छा तो फिर कुर्बानी तो हम कर रहे हैं, बस बकरा नहीं कर रहे। वैसे अब तू पकार है। इस बार हम अल्हम्दुलिल्लाह बैल की कुर्बानी कर रहे हैं। अच्छा हिस्सा डाला है? अरे नहीं हाजी साहब, अंडर एस्टिमेट कर गए हैं आप। अबे क्या स्मगलिंग तो नहीं शुरू कर दी? अबू जल्दी आए, भाई से बैल छूटकर भाग गई। क्या? अरे इसे मना भी किया था अकेले मत खोलना, चलो जल्दी चलो। अबे कहाँ जा रही है, थोड़ा चौड़ा हो जा। अबू ये बकरा है या आदमी है, ये कैसी आवाज है इसकी? अरे बेटा ये खास पहाड़ी बकरा है। अबू वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बूढ़ा नहीं ले लिया हमने? अरे नहीं ठीक है, ज्यादा छोटा भी अच्छा नहीं होता। अबू इस बार ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे? बेटा बड़ी ईद है, इस पर बकरा ही होता है सारी शॉपिंग। और तुमने कौन सी शॉपिंग करनी है? अभी तो छोटी ईद पर बनवाए थे तुमने कपड़े, अभी रहने दो, बजट जरा टाइट है बेटा। अरे नहीं अब्बू ज्यादा खर्चा नहीं होगा, सेवियर ऐप है ना उस पे ईद बाजार ऑफर लगी हुई है, अच्छे खासे डिस्काउंट्स और कैशबैक मिल रहा है। सेवियर के थ्रू ही अपने कपड़े और फैशन का सामान ले लूंगी, बाकी घर का सौदा भी सेवियर से ले लेंगे, बचत भी हो जाएगी और कैशबैक भी मिल जाएगा। हाँ तो वो कैशबैक के पैसे भी तुमने अपनी जेब में ही रखने हैं, मुझे क्या फायदा होगा? अबू इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको मुझे खर्ची नहीं देनी पड़ेगी, कैशबैक से ही निकल आएंगे मेरे पैसे। ये बकरे की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अबू बकरा चोरी हो गया। क्या? मजाक कर रहा हूँ। अदाश तुम घर वालों के बीच नजर आ रहे हो, खैर है? इंटरनेट कटा हुआ? नहीं ऐसी बात नहीं है, बैठता हूँ सबके साथ। चले देर आए दुरुस्त आए। और सुनाओ कैसा चल रहा है कॉलेज? अच्छा चल रहा है अब्बू, बस एग्जाम्स आने वाले हैं। इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, बस सेहत अच्छी रखो, जाना है तो जाना। जी अब्बू। यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, वैसे अच्छा हुआ कुछ देर नेट कट गया, इसी बहाने में सबके साथ बैठ गया। फजल तुमने इश्तियाक भाई को अपनी सीवी दे दी थी? नहीं अब्बू ऐसे उन्होंने कुछ नहीं करना। अरे मुझे ना ज्यादा बैठना चाहिए इन लोगों के साथ, अच्छे लोग हैं। उन्होंने लगा देना किसी छोटी सी पोस्ट पे, मैंने इससे थोड़ी की थी डिग्री। तुम्हें कुछ पता है? एक मिनट प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा, इस उम्र में नौकरी कर रहा हूँ, कुछ हाथ बटाओ मेरा, सिर्फ खाते ही रहना है क्या? अरे भाई कर तो रहा हूँ कोशिश। हाँ कर रहे हो कोशिश, तुम सबको खिलाने का ठेका क्या मैंने उठा रखा है? हो जाएगी नौकरी, गुस्सा ना करे, ये सब तुम्हारी गलती है। अरे मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, बिगाड़ दिया तुमने इसे, आराम पसंद हट हराम। हाँ आप तो बस जताते रहे बेगर। अरे बस कर दो बस। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? वो कमरे में पढ़ने। कुछ टाइम घर वालों के साथ भी गुजार लो, दिमाग के लिए अच्छा होता है। जी कौन आ गया? बबीर इस मेले में तो सोना आराम है, ठहर देखता हूँ मैं। आपके घर लाइट आ रही है? अबे मेला है चिड़ियाघर। जी अबे दिख नहीं रहा, आ रही है बत्ती, जा अपना बिल भरा जाकर। आप तो नाराज ही हो गए। अबे कोई वक्त है घंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेव करवानी है? आओ बैठो। आप करोगे? उस्ताद नहीं है आज? आप बैठो, बस उस्ताद आ रहे हैं अभी 5 मिनट पेशाब करने के। क्या? बस आ जाते उस्ताद, आप बैठो 5 मिनट में आ रहे हैं। यार ऐसा करो आप ही कर दो शेव। अरे कोई टेंशन नहीं, आप बैठो। मशीन मारनी है ब्लेड? मशीन से ही कर दो। नहीं भाई मशीन से तो नहीं, बत्ती नहीं है। अबे तू पूछा क्यों? है भाई
चलो फिर ब्लेड से ही कर दो, लेकिन ख्याल से यार कट ना लग जाए। बेगम हो जाओ छोटे भाई, ब्लेड नया डाला है खत या क्लीन शेव? भाई ब्लेड चेंज किया है, वैसे खत अच्छी लगेगी। अबे भाई यार कुछ पूछ रहा हूँ, ब्लेड नया डाला है कि नहीं? जी भाई डाला है। क्लीन शेव कर दो। किससे मिलने जा रहे हो? आपकी बाई। सर पीछे कर दो और बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह तसल्ली बख्श काम होगा। विजय भाई मुझे अभी भी शक हो रहा है तुमने ब्लेड नहीं बदला था। भैया किधर चले गए? जी छोटे भाई बस एक मिनट। हाँ अच्छे से नीचे तक साफ कर, कमीज से। अबे भाई देर हो रही। बस एक मिनट भाई, बस एक मिनट। अबे ये क्या? बगल शेफ, आपने भी करा नहीं पता। अबे भाई कहा ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे भाई आपके 5 मिनट चाहिए, जरा दावत देनी है। भाई कुर्बानी की खाल दे दें। अबे कसाई तो आ जाए पहले। चलो मैं बाद में आऊंगा फिर। आ भैया आ गया? नहीं अब्बा खाल मांगने आया था तालिब। बिल्कीस बाजी यकीन करें आजकल हालात बहुत खराब हैं, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। सही बात है, मेरा चाय का बड़ा मूड हो रहा है ऐसे। मैं तो नहीं पीऊंगी। मैं तो पीऊंगी, जरा बेटी से कहकर बनवा देना एक कप। अबे किसको घुसा लिया घर में तेरी माँ ने? यू रूम से आंटी है पड़ोस वाली। अबे आधी रात हो गई है, इसने रात यही रहने के? अम्मा तकल्लू पे बेटी कुछ कहती नहीं है, शाम से आंटी दे रही है। सलाम अलैकुम बहन। वालेकुम सलाम भाई साहब, आपका बड़ा सुना है, आए बैठे। वो आपके खावन की काल आई थी, कह रहे थे रात बहुत हो गई और रुमेशा को घर आ जाए। मेरे खावन तो फोत हो चुके हैं कब के। अच्छा हाँ जी, आपको किसकी कॉल आई थी? तो बस फिर आप भी समझ जाए, अब रात बहुत हो गई। आदमी मैंने मारा होगा तो खुद क्यों बताऊंगा, आपके अलावा कौन हो सकता है? अबे अंजुम से पूछ, उसकी जगह पे खड़ी की थी ना, हो सकता है उसी ने सजा के तौर पे मारा हो स्क्रैच। जिसने भी स्क्रैच मारा है ना वो बगैरत, उसका पूरा खानदान बगैरत। जो कहते वही होता है, है? है? मैंने नहीं मारा, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। काल कह रहा था आ रहा हूँ। वही पुराना वाला बुलाया? अबे वो कहाँ, वो तो आजकल डॉक्टर बना फिर रहा है, भरा पेट साला। एक नया कसाई बुलाया है इस बार। देख लो अब्बा कोई बरसाती कसाई ना हो। अबे नहीं नहीं अल्लाह खैर करेगा, फिकर ना कर। देख आ गया शायद। हाँ भाई क्या मसला है? तमीज जी जी बोले। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी फरमाए। वो गोश्त दे दे। अबे अभी तक नहीं हुई कुर्बानी, कसाई नहीं आया, बाद में आई हो। हाँ भाई कौन था? गोश्त मांगने वाला। अबे ओ भाई नहीं है कसाई, माफ कर दो, नहीं है कोई गोश्त खाल। भाई मैं कसाई हूँ। अबे तू? जी भाई मैं, क्यों क्या हुआ? तुझे मैंने कहीं देखा है शायद, पिछली ईद पे ही देखा होगा भाई। अबे तू याद आ गया, तू तो वही है जो उस दिन एग्जाम हॉल में सबको पानी पिला रहा था। फ्रॉड आदमी, तू कसाई कब से बन गया? बस सुबह सुबह बरसाती कसाई ना हो। अबे नहीं नहीं अल्लाह खैर करेगा, फिकर ना कर। देख आ गया शायद। हाँ भाई क्या मसला है? तमीज जी जी बोले। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी फरमाए। वो गोश्त दे दे। अबे अभी तक नहीं हुई कुर्बानी, कसाई नहीं आया, बाद में आई हो। हाँ भाई कौन था? गोश्त मांगने वाला। भाई कुर्बानी की खाल दे दें। अबे कसाई तो आ जाए पहले। चलो मैं बाद में आऊंगा फिर। हाँ भैया आ गया? नहीं अब्बा खाल मांगने आया था तालिब। अबे ओ भाई नहीं है कसाई, माफ कर दो, नहीं है कोई गोश्त खाल। भाई मैं कसाई हूँ। अबे तू? जी भाई मैं, क्यों क्या हुआ? तुझे मैंने कहीं देखा है शायद, पिछली ईद पे ही देखा होगा भाई। अबे तू याद आ गया, तू तो वही है जो उस दिन एग्जाम हॉल में सबको पानी पिला रहा था। फ्रॉड आदमी, तू कसाई कब से बन गया? बस सुबह सुबह ही। यार वैसे इस बार सही तकड़ा जानवर मिली है। जी अब्बा बस थोड़ा जंगली है। अबे ये तो अच्छी बात है, बकरा जितना खारशी हो ना उतना अच्छा होता है। हाँ भाई हाजी साहब ले ही लिया आपने भी बकरा? हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक? नहीं नहीं तो ये कितने का लिए है आपने? ये अल्लाह के करम से 35 का लिए। 35? अभी चुप कर चुप कर। वैसे बुरा नहीं मनाना है जी साहब, लेकिन
महंगा ले ली। अबे तू फेल जानवर भी तो देख, तुझसे तो ऊंचा का देश बकरेगा। तो अपने कौन से इससे बास्केटबॉल खिलानी है। अबे चलना इतना जला नहीं कर, दिल जले। वैसे हाजी साहब हम तो इस बार बकरा नहीं कर रहे। ओहो चलो कोई नहीं, अल्लाह अगली बार तौफीक दे। अरे नहीं नहीं तौफीक तो इस बार भी मिली है। अच्छा तो फिर? तो फिर कुर्बानी तो हम कर रहे हैं, बस बकरा नहीं कर रहे। वैसे अब तू पकार है। इस बार हम अल्हम्दुलिल्लाह बैल की कुर्बानी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हिस्सा डाला है। अरे नहीं नहीं हाजी साहब अंडर एस्टिमेट कर गए हैं आप। अबे क्या स्मगलिंग तो नहीं शुरू कर दी? अबू अबू जल्दी आए, भाई से बैल छूट कर भाग गई। क्या? अरे इसे मना भी किया था अकेले मत खोलना, चलो चलो जल्दी चलो। अबे कहाँ जा रही है, थोड़ा चौड़ा हो जा ना। फिर रहा है भरा पेट साला, एक नया कसाई बुलाया है इस बार। देख लो अब्बा